हेलो विनोद, विनोद शो में आपका स्वागत है। मैं विनोद, आप सब विनोदों का इस विनोद शो में स्वागत करता हूँ। हाँ दोस्तों, जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया में, ये विनोद नाम का आदमी का, वो ज़बरदस्त है। यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, हर जगह यही छाया हुआ है नाम विनोद, 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 सब जगह ऐसी कॉमेडी चल रहा है। तो दोस्तों, इसका जो ऑरिजिन है वो ये है कि एक चैनल है स्ले पॉइंट, बोला बहुत सारे ऐसा कॉमेडी सार्केस्टिक वीडियोस बनाते हैं। तो उन्होंने हाल ही में एक बनाया था शॉर्ट वीडियो कि हमारे जो इंडियन वीडियोज है यूट्यूब पे, उसमें जो ऐसा कमेंट्स गार्बेज भरा रहता है, उल्टा पुल्टा कमेंट रहता है, वो वीडियो कुछ है कमेंट कुछ अलग ही रहता है, उल्टा पुल्टा कुछ रिलेवेंट नहीं रहता है कमेंट एक उसके ऊपर है। तो उसमें एक जो बात निकल के आए थे, आप देखे होंगे बहुत सारा ऐसा यूट्यूबर्स होंगे जो आएंगे, बस अपना नाम लिखते हैं और चले जाते हैं। तो उसी से ये फेमस हुआ था विनोद, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये जो बंदा है हर वीडियोस में किधर का भी जाता है वीडियो, और उसका नाम लिखा रहता है विनोद थरू, और बस नीचे में कमेंट में विनोद लिखता है, गायब हो जाता है, हर में ऐसे ही करता है वो। तो ये इसलिए फेमस हुआ था कि ऐसा बंदे लोग भी हैं, उनका कुछ काम धाम में रहता नहीं है, पता नहीं उन्होंने क्या साबित करना चाहता है अपना नाम लिख के उसमें। और इतना ज़्यादा फेमस हो गया दोस्तों कि आप देखिए कि इवन मुंबई पुलिस ने उसको बोला कि विनोद जी, अगर आपका कोई अकाउंट का ये पासवर्ड है विनोद, तो आप इसको प्लीज़ चेंज कर दो, वरना ये हैक हो जाएगा। और इवन एक यूज़र ने पेटीएम का ऐसे मजाक में बोला था कि प्लीज़ आप भी विनोद लिख के दिखाइए, तो पेटीएम ने इसको बहुत अच्छे वे में लिया और उन्होंने अपना टाइटल विनोद करके लिख दिया था। तो बहुत मज़ेदार, बहुत सारा मीम बना हुआ है भर भर के। और आप देखेंगे कि अब तो ऐसा हो गया है विनोद थरू क्या, अब दूसरे यूजर्स भी सब जगह में आ रहे हैं, विनोद लिख रहे चले जा रहे हैं, विनोद 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 हर कमेंट्स में लिखे होंगे, हो सकता है कि हमारे कमेंट भी कोई विनोद लिख के चले जाए, वैसा हालत हो गया है। और मज़ेदार ये भी है दोस्तों, अब हजारों विनोद नाम के चैनल्स बन गए हैं, मालूम नहीं चलेगा आपको कौन सा ओरिजिनल है, ऐसा हो गया हालत, सोचिए। तो ये एक बहुत मज़ेदार है विनोद थरू जी का केस। दोस्तों, अगला जो ट्रेंडिंग टॉपिक है आजकल जो सोशल मीडिया में छाया हुआ है, वो ये है कि बिग बॉस टीजर हाल ही में लॉन्च हुआ है। उसमें हम देखते हैं कि सलमान खान अपने पनवेल फार्म हाउस में खेती कर रहे हैं, हाँ जी वो फार्मिंग कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि अब चावल उगा रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं, और कोविड के चक्कर में जो भी स्पीड ब्रेकर लगाया है, अब बिग बॉस 14 माहौल चेंज करेगा। तो देखते हैं, पता नहीं क्या चेंज करने वाला है। मैं जितना जानता हूँ बहुत सारा आइटम रूल चेंज हुआ है, बहुत सारा सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन को बहुत प्राइमरी फोकस रखा जाएगा। और मुझे सुनने में भी आ रहा था कि जो एक साल पहले तक जो भी ट्रैवलिंग किए हैं उनको शायद पार्टिसिपेट का मौका नहीं मिलेगा इस टाइम। तो बहुत सारा अभी नेम्स आना स्टार्ट हो गए हैं, सब र्यूमर है, कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि उनको ऑफर आया है। तो देखते हैं क्या है इस टाइम। ये मोस्टली दोस्तों सेप्टेम्बर मिड में बिग बॉस 14th एडिशन स्टार्ट होने वाली है कलर्स पे। दोस्तों, जो अगला ट्रेंडिंग टॉपिक है वो ये है कि शाहरुख खान का एक नया मूवी का नाम हमको पता चला है, नाम है पठान। जी हाँ दोस्तों, पठान, 2 साल बाद जीरो के बाद जो मूवी इनके आने वाली है, जो उन्होंने साइन की है और कंफर्म है ये, वो है सिद्धार्थ आनंद की पठान। इसमें हम दीपिका पादुकोण को भी उनके साथ देख पाएंगे। बहुत अच्छी ये न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों जब भी दीपिका पादुकोण शाहरुख खान के साथ काम की है वो मूवी सभी चले हैं, सभी हिट हुए हैं। आप ओम शांति ओम पकड़ लें, या चेन्नई एक्सप्रेस देख लें, हैप्पी न्यू ईयर बोल लें, सब मज़ेदार फिल्म, उनका जोड़ी हमेशा ही अच्छा लगता है। तो उम्मीद है कि ये मूवी में भी उनका जोड़ी बहुत अच्छी होगी, मूवी अच्छा बनेगी। सिद्धार्थ आनंद अभी टॉप फॉर्म में है, तो एक मास एक्शन मूवी बनने वाला है और यशराज प्रोडक्शन का है, तो पैसा अच्छा खर्च होने वाला है, और तो हमको दर्शकों के लिए बहुत अच्छा न्यूज़ है ये। दोस्तों, अगला ट्रेंडिंग टॉपिक जो आजकल सोशल मीडिया में छाया है वो है क्रिकेट वर्ल्ड कप से रिलेटेड। दोस्तों, ये कंफर्म न्यूज़ है अब कि नेक्स्ट ईयर का जो वर्ल्ड कप है 2021 का, वो इंडिया ही होस्ट करेगी। जो पहले जो उनका प्लान था वो वही है, वही रिटेन किया है इंडिया, 2021 का जो है इंडिया ही करेगा। और जो ये साल कोविड पैंडेमिक के चक्कर में पोस्टपोन हुआ है, जो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, वो अब 2022 को होगा ऑस्ट्रेलिया में, तो वो उनको मिल जाएगा। और जो दूसरा एक न्यूज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि इंडिया में ही 2023 को 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेला जाएगा, तो ये बहुत अच्छा न्यूज़ है। एक ही सेटबैक न्यूज़ है दोस्तों, कि जो नेक्स्ट ईयर
विमेन वर्ल्ड कप होने वाला था वो एक साल और पोस्टपोन हो गया है। अब जाके शायद 2022 में फेब मार्च के साइड में वो अब होगा। तो उस सेटबैक दोस्तों ये है, एक तो उनका वैसे भी मैचेस बहुत कम होता है, और जो अब बहुत हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं जैसे मिताली राज और झूलन गोस्वामी, अब उनका चांस मुझे अब नहीं लग रहा है। अगर नेक्स्ट ईयर होता तो एक चांस था, लेकिन अब और जो एक साल पोस्टपोन हो गया मुझे नहीं लगता कि उनका बहुत चांस मिलेगा, एज बहुत हो गया अब उनका। तो ये एक सेटबैक न्यूज़ है, वरना हम क्रिकेट दर्शकों के लिए तो ज़बरदस्त न्यूज़ है। वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप है, 21 में इंडिया में, 22 में ऑस्ट्रेलिया में, 23 50 वर्ष का जो वर्ल्ड कप है वो फिर से इंडिया में, तो ज़बरदस्त टाइम हमारा आने वाला है दोस्तों। और जो हमारा जो लास्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है, एक्चुअली वो लास्ट हमारे ट्रेंडिंग टॉपिक में है, बट जून से उस नंबर वन ट्रेंडिंग टॉपिक में है इंडिया में, क्या बाहर में भी आप देखिए, कैलिफोर्निया के बिलबोर्ड तक में वो लग चुका है आप लोग, वो है सुशांत सिंह, लेट सुशांत सिंह जी का मर्डर या सुसाइड, अब जो भी केस बोले, ये तो अभी चल रहा है, अभी कुछ मालूम ही नहीं है केस में क्या है, सुसाइड है, मर्डर है, क्या एंगल आने वाला है। अब तो CBI भी इसमें आ चुकी है, तो बहुत सारे राज खुलेंगे ज़रूर, हमको बहुत सारा चीज़ मालूम चलेगा। और जो लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रिया चक्रवर्ती और उनके भाई दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया था, 8 घंटा तक उनका पूछताछ हुआ है, और रिया चक्रवर्ती से उनका जो सेकेंड फ़ोन है उसकी मांग की गई है कि वो उनको दे देखने के लिए, और उनको ये भी कहा गया है उनके पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हो, लैपटॉप, मोबाइल, सेकेंड मोबाइल, कुछ भी टैब वैब जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड है उनको उनके हवाले करने बोला गया है वो इस चीज़, क्योंकि वो लोग ये दूसरी बार है जो ED ने उनको बुलाया है, वो लोग नाखुश हैं, उतने सेटिस्फाइड नहीं है रिया चक्रवर्ती के साथ जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, उनको उनका आंसर उनको ज़्यादा पसंद नहीं आया है। तो इन्वेस्टिगेशन जारी है, ज़बरदस्त चीज़ बाहर आने वाली है। और रिया चक्रवर्ती और इंद्रजीत चक्रवर्ती उनके जो पिताजी है उनको भी बुलाया गया है कि शायद कोई मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस हो सकता है, उससे रिलेटेड बुलाया गया है। उनके जो सुशांत सिंह के जो मैनेजर्स थे उनको भी पूछताछ जारी है उनसे, तो ये चल रहा है। देखिए हम तो कोई नहीं होते हैं कि किसी को ब्लेम करने वाले या ऐसा बोलने वाले कि ये कल्प्रिट है नहीं है, जो न्यूज़ है हम तो बताएंगे ही। और एक और चीज़ है दोस्तों, जो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया है आज कि जो एम्बुलेंस वाला था, एम्बुलेंस ड्राइवर था, उसने कहा है कि सुशांत सिंह जी का जो नी के नीचे का पोर्शन थोड़ा टेढ़ा हुआ था, वो टेढ़ा इसलिए था कि ऐसा लग रहा है कि ब्रोकन था या नहीं था, वैसा फील हो रहा, उनको वो ठीक नहीं लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है ऐसा फीलिंग हो रहा है, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने आज कहा है। और अगर आपको इन चीज़ों से और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मैं रिकमेंड करूँगा कि YouTube में एक चैनल है NK सूद जी का, वो एक रॉ एजेंट है, उनका चैनल है NK सूद जी का, अगर आप चाहेंगे तो वो फॉलो कर सकते हैं, आपको बहुत सारा और भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो मैं अब बताना स्टार्ट किया तो बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो, तो दोस्तों देखते हैं, ये तो बहुत ज़बरदस्त टॉपिक बन चुका है सुशांत जी का, जब तक अब ये आउटसाइडर, नेपोटिज्म, स्टार किड सब तो मिल गया है अब, क्योंकि अब आदमी जो कॉमन मैन है वो पूरे सपोर्ट में है सुशांत सिंह जी का, अब कोई छोड़ने वाला नहीं है। इवन आपको मालूम ही होगा जो ट्रेंडिंग जो हैशटैग है वैरियर फॉर SSR, वो पूरा नंबर वन पे चल रहा है, मिलियंस ऑफ हैशटैग ये यूज़ हुआ है, बहुत ज़बरदस्त चल रहा है ट्विटर पे, यूट्यूब में, आप कहीं भी पकड़ लीजिए, बस सुशांत सिंह चल रहा है, सबको ही जानना चाहते हैं कि एक्चुअली वाकई हुआ क्या था ये केस, वो अगर सुसाइड था तो कौन उसके पीछे थे जो फोर्स कर रहे थे उनको सुसाइड करना पड़ा, और अगर ये मर्डर का एंगल है तो कोई भी हालत में कल्प्रिट बचना ही नहीं चाहिए। और भी दोस्तों जो इसमें रिलेटेड है वो ये है कि जो उनकी मैनेजर थी दिशा सलियन, जो उनसे 4-5 दिन पहले मर गई थी, उनका भी जो सुसाइड मर्डर का समझ नहीं आ रहा है, उनका भी ठीक से कुछ भी मीडिया में ठीक से हाईलाइट नहीं हुआ है। तो सुब्रमण्यम स्वामी जी का कहना है कि ये जो दोनों केसेस हैं इनको अलग अलग ना देखा जाए, दोनों को जोड़ के देखा जाए, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं से दोनों केसेस कनेक्टेड हैं। तो वो बोल रहे हैं कि मे बी बहुत सारे जो पावरफुल माफिया है, बॉलीवुड माफिया का है, तो ये पता नहीं क्या बाहर आने वाला है, वो हम कॉमन मैन को जो भी सही जानकारी है हमको बाद में मालूम चले, ऐसा नहीं कि इसको दबा दिया जाए, हम तो होप ही कर सकते हैं ये हमको मालूम चले इसमें क्या केस है। हम भी एक तरह से वैरियर्स फॉर SSR हैं, हम सपोर्ट करते हैं ऐसे जो भी चल रहा है उनका, जो फाइट कर रहे हैं आदमी कॉमन मैन,
आउटसाइडर का लेके, क्योंकि ये बहुत हो गया ये कि इतना टैलेंटेड आदमी लोग आके काम करता है और उनको फिर इतना चांस मिलता है, या तो जो मिलता भी है कोई ना कोई दूसरा टारगेट छीन लेता है, तो हमको फिर एक साथ बने रहना है दोस्तों, ये ट्रेंड को जाने नहीं देना है। और बट मैं अभी भी यही बोलूँगा कि ऐसा नहीं कि हमको सबको ब्लेम करना पड़ेगा, जो भी इन्वॉल्व है हमको वेट करना चाहिए जजमेंट का, ऐसा नहीं कि अब सबको हम ब्लेम करते फिरे, ये मेरा मानना है, आपका क्या राय है आप बताइएगा मुझे। बस हम तो यही दुआ करते हैं कि लास्ट में जो भी हो, ये लंबा चले या जल्दी हमको मालूम चले, बस लेट सुशांत सिंह को जस्टिस मिलना चाहिए, जो एक्चुअल फैक्ट है वो बाहर आना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा आजकल जो भी सोशल मीडिया में चल रहा है ट्रेंडिंग टॉपिक्स, उसका ये लिस्ट था हमारा। अगर हमसे कोई एक दो भूल हो गई तो हमें प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, और कोई नया और कोई वीडियो ऐसा हुआ तो हम आपके पास ज़रूर लेके आएंगे, आपसे हम जरूर शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर।